होम एसएमए चैनल्स आपका स्वागत करता है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं फंगल इन्फेक्शंस इन द पेनिस, पेनिस के होने वाला फंगल इन्फेक्शंस, इसके सिम्टम्स क्या है, ये किन किन लोगों में ज़्यादा होता है और इससे हमें कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। जब हमारे हेड ऑफ द पेनिस या ग्लांस ऑफ द पेनिस पर रैसेस बन जाते हैं, आमतौर पर रेड रैसेस, उसमें लालिमा खुजली होती है, तो ये फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम है। फंगल इन्फेक्शन किन किन जातकों में ज़्यादा हो सकता है? नंबर वन, जो अपनी साफ सफाई का ख्याल नहीं करते। नंबर दो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। यदि आपके पार्टनर को ये फंगल इन्फेक्शन है तो आपको उसके द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है। नंबर तीन, यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको ये प्रॉब्लम जल्दी जल्दी हो सकती है। नंबर चार, यदि आप गैप्टिंग है तो आपको ये प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है। नंबर फाइव, यदि आप अल्कोहलिक हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर सिक्स, यदि आप डिओड्रेंट्स का यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर सेवन, यदि कोई खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं हम नेचुरली इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने पार्टनर को देखना है, कहीं उसे ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि इसको फंगल इन्फेक्शन है तो आप दोनों ने फंगल के लिए ठीक करना। नंबर टू, आपने अपने हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल रखना। आपने सप्ताह में दो बार अपने हेड ऑफ द पेनिस से स्किन को हटाना है और साबुन से अच्छी तरीके से साफ करना है और उसको ड्राई रखना है। उसको कभी भी वेट नहीं करने देना। सेक्स के बाद हमेशा इसकी साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने के बाद उसको ड्राई रखना है। नंबर चार, डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर पाँच, खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर छः, यदि आपको डायबिटीज है तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है। नंबर सेवन, अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करना है। इसके लिए आपने योग और प्राणायाम अवश्य करना है। नंबर आठ, पानी खूब पीना है। यदि हम इन सब का ख्याल रखेंगे तो हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं घरेलू उपचार। मैंने अपने तजर्बे में पाया है 80% लोग बगैर मेडिसिन के थोड़ी सी प्रिकॉशन के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। यदि आपको थोड़े स्किन रैशेस ग्लास ऑफ द पेनिस पर बन गए हैं तो पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अपने हेड ऑफ द पेनिस से स्किन को रिमूव करना है। वो थोड़ा गर्म पानी या ल्यूक वाटर में फटकरी डाल करके आपने उसका प्रसारण करना, उसको धोना है। धोने के बाद आपने उसको अच्छी तरीके से ड्राई करना। ड्राई होना बहुत ही जरूरी है। यदि ये बेट रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नंबर टू, आपने क्या किया, आपने लहसुन की तीन तुरियां रोज खाएं। लहसुन की एक तुरी आप थोड़े से नारियल के तेल में मिक्स करके आप उसके ऊपर लगा सकते हैं और लहसुन खाने से भी फायदा होता है। लहसुन एक बहुत उपयोगी एंटी फंगल है। हल्दी भी एक बहुत बढ़िया एंटी फंगल है। आप एक चम्मच कोसे पानी में हल्दी रेगुलर ले, इससे भी फंगस ठीक होती है। और हल्दी का आप कोकोनट टाइप में लेप भी कर सकते हैं। नंबर तीन, आपने क्या करना है, आपने ग्वार पाउडर
जूस लेना है या ग्वार पाठा का जेल है आपने आपने रेसेस पर लगाना है, इससे इसके अकड़ाहट भी ठीक होगी और रेसेस में ये आराम मिलेगा। ये आपने कम से कम 15-20 दिन के लिए करना है, एलोवेरा इसके लिए काफ़ी उपयोगी है। नंबर 4, इसके लिए आपने 3 वुड आयल, ये भी बहुत उपयोगी है, इसके आयल का उपयोग करें, पानी को पिए, अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करें। इससे आपको 89% इसमें फंगल इन्फेक्शन से बगैर दवाई के खाए हुए आराम मिलेगा। यदि आपको फिर भी इससे नहीं आराम मिलता तो आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। मेरा अपना तजर्बा है, मैंने अपने तजर्बे में 90% लोगों को ऐसे ही ठीक किया है। यदि ये ठीक नहीं होता तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? यदि आपके स्किन रैशेज हैं तो आप ग्लास और पैनी से आपके जो ऊपर वाली स्किन है उसमें भी हो सकते हैं, और जो उसमें क्या उसके बाद आपको पेशाब करने में तकलीफ होती है, बर्निंग मिक्चुरेशन है, कई बार जो होता है पेशाब करने में वो आपकी जो स्किन है ऊपर वाले ग्लास और पैनी से ऊपर वाली स्किन वो पीछे ही नहीं जाते और वो उसमें पेशाब रुक रुक कर आता है या कई बार आता ही नहीं है, इसे हम फाइबोसिस कहते हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। आओ हम सब मिल करके अपने आप को स्वस्थ रखें, फंगल इन्फेक्शन से बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।